हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं MPSHO के IMP क्वेश्चन को। और दोस्तों, अभी तक अपन ने फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड सेट का 50 क्वेश्चन तक वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन। अब यहां से शुरू करें दोस्तों, 51 से शुरू करेंगे। और दोस्तों, ये सभी IMP क्वेश्चन हैं जो कि 2019 से लेके अभी तक आ चुके हैं और रिवाइज हो चुके हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको जरूर जरूर 50 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको IMP मिलेंगे इसमें से। तो एक बार जरूर आपको टाइम दें और पढ़ें जरूर। और चलिए शुरू करते दोस्तों 51 से। और वीडियो में यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 51 से शुरू कर रहे हैं नंबर 1 क्वेश्चन को। अंडर ICDS प्रोग्राम देयर इज एन आंगनबाड़ी वर्कर फॉर इवरी। तो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोग्राम जो होता है उसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितने पॉपुलेशन के अंदर दिए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है 3000, बी है 1000, सी है 10000 और डी है 5000। तो इसके जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स इज। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्वॉट कोर्स, या बी है डिस्टेंटली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्वॉट कोर्स, या सी है डिस्टेंटली ऑब्जर्व टेल स्वॉट कोर्स, या डी है डिफरेंटली ओवरव्यू ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेटजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ही रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, इन इवेंट ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन। तो दोस्तों 1969 के एक्ट के तहत में जो मृत्यु और जन्म दर है उसको कितने दिन के अंदर हमें रजिस्टर कर लेना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए है 21, बी है 7 days, सी है 10 days, या डी है 14 days। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 53 का ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन BCG वैक्सीन। ए लेफ्ट थाई, बी राइट थाई, और डी लेफ्ट डेल्टॉइड, डी है राइट डेल्टॉइड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, 54 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज इज। ए एडीज मॉस्किटो, बी क्लोक्स, या सी हाउस फ्लाई, या डी है एनाफिलेज मॉस्किटो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप और इन मेंटेनिंग स्लीप इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं जिसको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है। ए एमनेसिया, बी है नेरोलिप्सी, ऐसी है इंसोमनिया, या डी है हाइपरसोमिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, इंसोमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्लेस इन नेबुलाइजेशन चैम्बर व्हाइल प्रोवाइडिंग नेबुलाइजेशन। यदि आप बच्चे को नेबुलाइज करा रहे हैं तो कितना ml तक नेबुलाइज के चैम्बर में भरेंगे, दवाई डालेंगे। ऑप्शन देखिए, ए 3 ml, बी 6 ml, सी 2 ml, या डी है 10 ml। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा 57 का 3 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द केयर ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप इज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्रिटिकल फैक्टर क्या रहने वाला है जो क्लेफ्ट लिप का रिपेयर हो रही है, सर्जरी हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, ए प्रिवेंट वोमिटिंग, बी मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे, या सी है मेंटेनिंग पेरेंटल फ्लूइड इन्फ्यूजन, डी है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन दैट रिड्यूस ओरल सिक्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा, हमें मेंटेन करना रहेगा पेशेंट का एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन देखिए, ए पोलियो, बी HIV, सी मेजल्स, डी सिफिलिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, ए पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टराइज फीचर ऑफ मेजल्स रुबेला दैट डिफरेंट इट फॉर्म जर्मन मेजल्स रुबेला। तो ऑप्शन देखिए, ए हाई फीवर इन कॉम्प्लेक्स स्पॉट, या बी है रेसेस ऑन ट्रंक,
विथ प्रोटस या सी है नाजिया वोमिटिंग एंड एब्डोमन क्रैम्प डी है साइन दैट सिमिलर टू दोज ऑफ ए कोल्ड फॉलोइंग रेसेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहने वाला है ए रहेगा हाई फीवर एंड कोपलिक स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज एमंग द फॉलोइंग डिजीज ए निमोनिया बी मेजल्स सी चिकन पॉक्स या डी है हेपेटाइटिस। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्स दैट काज द बेबीज टॉयज टू स्प्रेड व्हेन द सोल इज फुट इज स्ट्रोक इज द ए है बेवियांसिक रिफ्लेक्स बी है रूटिंग रिफ्लेक्स सी है मोटर रिफ्लेक्स या डी है सकिंग रिफ्लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है ये है बेवियांसिक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में कैपिलरी रिफिल टाइम का कितना समय रहेगा ए है लेस देन 3 सेकेंड बी है मोर देन 3 सेकेंड सी है लेस देन 1 सेकेंड और डी है 5 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा 63 का ए रहेगा लेस देन 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ न्यूनेट। तो न्यूनेट का जो एज है दोस्तों हम किसको मानेंगे न्यूनेट 1 साल तक का जो बच्चा रहता है उसको हम इन्फेंट मानते हैं यहाँ पे न्यूनेट किसको मानेंगे। ऑप्शन देखिए 0 से 7 दिन या 0 से 28 दिन या सी है 1 मंथ से 1 ईयर या डी है 0 से 1 ईयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा 0 से 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट फॉर नीडल प्रिक इन द न्यूनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज। तो दोस्तों यहाँ पे एक न्यूनेट बेबी है उसका यदि हमको क्या करना है ग्लूकोज मॉनिटर करना है तो किससे हम ब्लड लेंगे। ऑप्शन देखिए ए हील बी पाम सी फोर आर में डी है लेग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा 65 का ए रहेगा हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज अवेयर दैट ए न्यू नेट ऑफ ए मदर्स विथ ए डायबिटीज इन ए रिक्स व्हाट कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन देखिए हाइपोग्लाइसीमिया बी एनीमिया सी डिहाइड्रेशन डी है एसिडोज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन HIV पॉजिटिव मदर्स चूज टू ब्रेस्ट फीड सी शुड। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों एक HIV पॉजिटिव मदर है तो वो अपने बच्चे को यदि ब्रेस्ट फीड कर रही तो कैसे देना है या उसको देना है या नहीं देना है। ऑप्शन देखिए अल्टरनेट ब्रेस्ट फीड विथ इन्फेंट फार्मूला फीडिंग बी है ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिव एलॉन्ग विथ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अंटिल वींग बाई 6 मंथ सी है फीड बाई बेबी द फ्रेशली एक्सप्रेस मिल्क या यूजिंग कटोरी एंड स्पून डी है ब्रेस्ट फीड ओनली ड्यूरिंग नाइट ऑफ व्हेन द बेबी सीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा बी रहेगा ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली अलॉन्ग विद द रिट्रोवायरल थेरेपी अंटिल बींग वाई 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज। तो बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए ए 3 मंथ बी 6 मंथ या सी 9 मंथ या डी ए 12 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 6 मंथ में डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ऑप्थैल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाई। तो दोस्तों ये ऑप्थैल्मिक न्यूनेट्रम कब होता है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन देखिए नाइजीरिया गोनेरिया बी है साइटोमेगली वायरस या सी है हर्पिस वायरस या डी है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा 69 का नाइजीरिया गोनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर इंटीरियर फोंटानिल। तो दोस्तों इंटीरियर फोंटानिल जो है कितने दिन में फिल हो जाता है भर जाता है। ऑप्शन देखिए 4 से 6 वीक बी है 6 से 8 वीक सी है 9 से 12 वीक या डी है 16 to 18 वीक। दोस्तों ये जो इंटीरियर फोंटानिल है ये कितने दिन में भर जाता है 16 से 18 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोथिक सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 3 डेज
ऑफ द डिलीवरी। तो ऑप्शन देखिए क्या बोलते हैं इसको अपन, ए क्लोस्ट्रम, बी ट्रांस ट्रांसनियल मिल्क, या सी है मैच्योर मिल्क, डी है फैटी मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्लोस्ट्रम रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस। तो टिटनेस में कौन सा क्लिनिकल लक्षण दिखेगा दोस्तों यहाँ पे, ए है कोप्लिक स्पॉट, बी है सोडो मेम्ब्रेन, या सी है ऑप्थीमटस, या डी है हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द टॉप काज ऑफ मोर्टलिटी एमंग एडोलसेंट इन द वर्ल्ड, ए सुसाइड, बी कम्युनिकेबल डिसीज, सी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और डी है आयरन डिफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहेगा, जो वर्ल्ड में होने वाली एडोलसेंट में मृत्यु है तो इसका दोस्तों क्या रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICTC स्टैंड फॉर, तो ICTC किसके लिए बना है, नंबर ए है इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ क्रोनिक डिसीज, बी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, सी है इंटीग्रेटेड काउंसिल एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एंड एड्स, डी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, सी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलसेंट इज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन, ए है टीनेज एंड एडल्ट, बी है चाइल्डहुड एंड टीनेज, सी है चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, या सी है चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एडोलसेंट का जो एज रहेगा कहलाएगा यहाँ से चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, 75 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन प्रेगनेंसी किट टेस्ट वुमेन इज सेड टू बी प्रेगनेंट इफ सिंगल लाइन अपीयर, टू लाइन अपीयर, या टू लाइन वेयर वन इज नॉट क्लियर अपीयर, या डी है नो बैंड अपीयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, बी रहने वाला है 76 का, जिसमें क्या होती है दो लाइन अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट टिल द नर्स दैट द फर्स्ट डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो EDD का फार्मूला है वो यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार यहाँ पे आपका ये निकलने का क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन EDD का फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस वाटर लेवल ऑफ यूरिन एल्बुमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफरिंग टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपने एरन एलोमिन रहने वाली है कितने से ऊपर रहेगी और हाई ब्लड प्रेशर भी है पेशेंट को, तो अपन क्या देखेंगे, ए +3, बी +4, सी +5, या डी है +2। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकिंग ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प प्रीडोमिनेंटली इन द रिलीज विच हारमोन्स। दोस्तों जब बच्चा दूध पीता है तो उस दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है मदर के द्वारा, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑप्शन देखिए, ए HGC, बी है प्रोस्टाग्लैंडिन, सी है एस्ट्रोजन, और डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, डी रहेगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन द फंडस ऑफ द यूटरस ए एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल, बी है एट द लेवल ऑफ जिफोइड स्टर्नम, सी है एट द लेवल ऑफ सिम्फोसिस प्यूबिस, या डी है एबव द अम्बिलिकल। दोस्तों यहाँ पे जो 24 मंथ का गेस्टेशन है तो कहाँ तक यूट्रस फंडस जाएगा, तो ऑप्शन देखिए यहाँ, मतलब इसका आंसर जो रहने वाला राइट क्या रहने वाला है, ए रहेगा दोस्तों एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना इज नोन, तो इसको क्या जानेंगे हम, ऑप्शन देखिए, ए सो, बी है गुड्डल साइन, सी है ओसिंडर साइन, डी है हेगर साइन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, सो रहेगा, सो में जिसमें डिलीवरी के पूर्व दिखता है उसको सो बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन रैप्चर होने वाली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग शुड टेस्ट एट एवरी ANC विजिट, तो एंटीनेटल विजिट में दोस्तों क्या देखते हैं हम प्रत्येक बार यदि पेशेंट जाता है क्लिनिक में, तो
ए है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HGC, बी है हीमोग्लोबिन ब्लड एंड यूरिन शुगर, सी है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, डी है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HPL। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, 82 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सॉफ्ट इरेगुलर फीटल पोल इज फेल्ट इन पेल्विक ग्रिप देन इट मे बी। तो दोस्तों एक इरेगुलर फीटल है और क्या दिख रहा है उसका पेल्विक फेल्ट में सॉफ्ट पोल दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, किस प्रेजेंटेशन में है। तो ऑप्शन देखिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बी है ब्रिज प्रेजेंटेशन, सी है ट्रांसवर लाई, या डी है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है यहाँ पे, ब्रिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यंग इन्फेंट मीन्स फीडिंग द इन्फेंट विच एक्स्ट्रा मिल्क, बी है द इन्फेंट रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड नथिंग एल्स, या सी है फीडिंग द इन्फेंट विथ ब्रेस्ट मिल्क एंड वाटर ओनली, डी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम यंग इन्फेंट। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, बी रहेगा यहाँ पे, द इन्फेंट रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट काज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन देखिए, ए सेप्सिस, बी है टॉक्सीमिया, सी है एसेफेजिया, या डी है हिमरेज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, डी रहेगा, हिमरेज रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ विटामिन के फॉर न्यू बॉर्न वेटिंग लेस देन 1000 ग्राम ईच। दोस्तों यहाँ पे 1000 ग्राम से कम का बच्चा है और उसको हमें विटामिन के देना है, तो कितना देंगे। ऑप्शन देखिए, ए 0.5 mg, बी है 1 mg, सी है 1.5 mg, या डी है 2 mg। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा, 0.5 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथिन हाउ मैनी मिनट्स शुड द प्लेसेंटा बी डिलीवर्ड बिफोर रिफरिंग द हायर फैसिलिटी। तो ऑप्शन देखिए, 15 मिनट, बी 30 मिनट, सी 45 मिनट, डी 1 आवर। तो दोस्तों यहाँ पे कितना रहने वाला है जो नॉर्मल प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपिजियोटॉमी शुड बी डन व्हेन। तो इपिजियोटॉमी कब हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ऑप्शन देखिए, हेड इज क्राउनिंग द बल्बा एंड रीज बैक इनटू द वेजाइना व्हेन द कंट्रक्शन पास ऑफ, या बी है हेड ऑफ क्राउनिंग द बल्बा एंड डज नॉट रिसीट बैक इनटू द वेजाइना व्हेन द कंट्रक्शन पास ऑफ, या सी है हेड हैज नॉट क्राउनिंग रिसीव बैक इनटू द वेजाइना, या डी है हेड हैज नॉट क्राउनिंग एंड डज नॉट नीड बैक इनटू द वेजाइना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड बी प्रैक्टिस। तो ऑप्शन देखिए, ओनली फॉर वुमेन हु हैव ए हिस्टोरी ऑफ पोस्टपार्टम हिमरेज, बी है ओनली फॉर द प्री प्राइमरी पैरा, सी है ओनली फॉर द मल्टी पैरा, डी है फॉर ऑल वुमेन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, जो हमें थर्ड स्टेज का लेबर मैनेजमेंट करना रहेगा है, तो यहाँ पे हमें सभी के लिए, यहाँ पे फॉर ऑल वुमेन के लिए रहना है, तो राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ। तो जो मोस्ट फेवरेबल बर्थ की पोजीशन दोस्तों क्या रहेगी फीटल के लिए, ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बी ट्रांसवर लाई, सी है फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, सी है डी है पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ फीटल हेड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या रहने वाला है, सबसे सभी लोगों को मालूम है यहाँ पे वर्टेक्स, दोस्तों सभी लोगों ने सुना होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन का जो साइन है दोस्तों क्या रहने वाला है, ऑप्शन देखिए, पेन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इनटू द ड्यूरेशन ऑफ कंट्रक्शन एंड डज नॉट सबसाइड इवन आफ्टर रेस्ट, बी है पेन रिमेनिंग द सम थ्रू आउट, सी है पेन इंक्रीज ओनली द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, डी है पेन में। दोस्तों यहाँ पे ये मिस हो रहा है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे ये अपना पहला रहेगा,
पेन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे क्या होता है पेन नहीं सबसाइड नहीं होता है और कंटिन्यू आफ्टर रेस्ट के बाद भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकिश लाइनर मार्क फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल एंड थाई एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों पिंकिश कलर और जो लाइन रहती है उसको थाई और एब्डोमेन के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, ए लाइना नेग्रा, या बी है लाइना एल्वेसियस, या सी है स्ट्राई ग्रेविडम, या डी है स्ट्राई एल्वेसियस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर स्ट्राई ग्रेविडम सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन देखिए, हेगर साइन, बी ओसिंडर साइन, डी सी फेटल हार्ट साउंड, और डी है मॉर्निंग सिकनेस। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव साइन हम किसको बोलेंगे प्रेगनेंसी में? तो यहाँ पे दोस्तों जब फेटल हार्ट साउंड अपने को सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ए है ऑक्सीटोसिन, बी है प्रोगेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन, और डी है प्रोलैक्टिन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है सिक्रेशन ऑफ मिल्क मेमरी ग्लैंड, तो उस दौरान कौन सा हार्मोन अपने को क्या करता है स्टिमुलेट करता है मदर को? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? प्रोलैक्टिन, 94 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ ए वुमेन विथ IUCDS। दोस्तों यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यदि किसी वुमेन के द्वारा वुमेन को लगाई जाती है तो उसको सबसे कॉमन क्या कंप्लेन करेगी? ए वेजाइनल ब्लीडिंग, बी पेल्विक इन्फेक्शन, सी यूट्राइन प्रोफेरेशन, या डी है एब्डोमिनल पेन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा? ए रहेगा वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन प्रति ml। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ए स्पर्मिया, बी ओलिगो स्पर्मिया, सी ओजो स्पर्मिया, डी है स्थेनो स्पर्मिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? बी रहेगा ओलिगो स्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द फॉलोइंग पीरियड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। तो यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी अपन कौन सा कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं यदि हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो? तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो राइट आंसर रहेगा 72 आवर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड? तो मेल स्टरलाइजेशन किसको हम कहेंगे? ए ट्यूबेक्टॉमी, बी वैसेक्टॉमी, सी स्प्लेनोजेक्टॉमी, या डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेंगे? वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव इनहिबिट एवेल्युएशन बाय। तो यहाँ इस पर जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा, यहाँ पे लेटर्स अभी क्लियर नहीं है इसलिए इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेफ सिंपल टेम्परेरी एंड ए रिलायबल फॉर्म ऑफ मेल कंट्रासेप्शन इज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन देखते हैं, ए यूज ऑफ कंडोम, बी वैसेक्टॉमी, सी है अबस्टेंस, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए रहेगा। तो दोस्तों आज अपना थर्ड सेट कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ फ्रेंड।